हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इतना बढ़िया घर पे सोप बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ वीडियो। और बहुत ही अच्छा, अभी घर समर सीजन चालू हो चुका है तो स्किन बहुत ही टैन हो चुकी है और मतलब काले धब्बे हो चुके हैं। और तो घर पे हम आसानी से होममेड सोप कैसे बनाएंगे, ब्राइटनिंग सोप जो हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा बनाएगा, तो चलिए बनाते हैं। बहुत ही आसान है। आपको ऐसा एक बाउल लेना है और मुल्तानी मिट्टी है ना, वही यूज़ करनी है हमें, एक चम्मच के करीब, एक दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी हो गई। अभी हम इसमें ऐड करेंगे सैंडलवुड पाउडर, मतलब चंदन पाउडर एक चम्मच। अगर आपको एक्ने की मतलब ऑयली स्किन है, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आप इसमें नीम पाउडर और चंदन पाउडर को स्किप करके खाली नीम पाउडर यूज़ कर सकते हो। नीम के पत्ते अगर है तो उसका पाउडर डालिए, नहीं तो आप और थोड़ा सा टी ट्री ऑयल डाल के बनाओगे ना तो बहुत, वो भी एक सोप बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत ही ब्राइटनिंग सोप हो जाता है घर पे। अभी इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर, ये हमारे सोप को अच्छी सी खुशबू आएगी। और थोड़ा सा ग्लिसरीन थोड़ा सा डालेंगे हम, अभी इन सब को अच्छे से मिक्स कर करेंगे। अभी थोड़ा पानी ऐड करके इसकी थोड़ी सी पेस्ट बनाएंगे थिक। बहुत ही सस्ते में बन जाता है ये और आप ऐसे बनाओगे ना तो घर पे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी आपको आवाज़ आएगी बाहर तो थोड़ा सा स्किप ये कीजिए उसे। यहाँ पे थोड़ा बिल्डिंग का काम चलता है ना तो बार बार आवाज़ आती है उसकी कंस्ट्रक्शन का। तो देखिए ऐसा बना के रखेंगे हम और ऐसे आपको, ये मैंने सोप मोल्ड मंगाया था, ऐसा लेंगे। अभी इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इतना सा ही लेना है हमें, इतने में बहुत सारे हो जाते हैं, दो तो हो जाते हैं। ये आपको मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे आसानी से मिल जाएगा। ये मुझे 200 रुपये का पड़ा है। सोप बेस बोलते हैं इसको। ये ज़्यादा नहीं डालना है तो फिर अच्छा नहीं होगा, मतलब हम जो साबुन बनाएंगे ना उसमें तो बहुत सारा यही होगा। अभी हम इसे मेल्ट करने के लिए रखते हैं। ये देखिए अभी पानी वो ऐसे उबालने के लिए रखना है हमें। और ये जो सोप बेस मैंने कट किया है ना उसे इसमें से छोड़ देना है ताकि ये थोड़ी देर मेल्ट हो जाए। और फिर ये अच्छे से मेल्ट होगा, अभी एक मिनट के बाद आप सामने देखोगे। ये देखिए मेल्ट हो रहा है। आप ऐसे कोई भी नीम का सोप, बीट
बीटरूट का सूप, कोई भी अच्छे अच्छे राइस फ्लावर का सूप घर पे बना सकते हो। और महंगे महंगे जो केमिकल भरे सूप होते हैं ना, उससे बहुत अच्छा है ये। और घर पे बना के यूज़ करोगे ना अभी समर सीज़न में, चेहरा भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जो एक्ने पिगमेंटेशन एंटी एजिंग की जो समस्या है ना वो ख़त्म हो जाएगी हमारी। अभी हमने ये पिघल रहा है, अभी हमें इसमें ऐड करेंगे ये सब जो हमने मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, रोज़ वाटर और थोड़ा सा ग्लिसरीन डाला था ना, इससे ऐड करेंगे। आपको अगर आप कॉफ़ी डालना चाहते हो तो कॉफ़ी भी डाल सकते हो। अभी मैं इसे अच्छे से, थोड़ा सा हिल रहा है, अच्छे से इसे थोड़ा पकड़ के, इसे हमें अच्छे से झाग आने तक पकाना है। ताकि जो हमने साबुन अच्छा बनेगा फिर हमारा। ये भी उसमें ऐड करती हूँ पूरा। तो ये देखिए अभी पूरा ये मेल्ट हो चुका है सोप बेस हमारा, और ऐसे हिलाना है थोड़ा सा चम्मच से, ताकि वो सब मुल्तानी मिट्टी के जो उसके अंदर चला जाए। इसलिए ऐसा बन चुका है। अभी इसे अच्छे से हमें झाग आने तक पकाना है थोड़ा सा, मतलब अभी मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। और आपको ऐसे मोल्ड हो गए तो, नहीं तो कुछ भी, ये मैंने मोल्ड भी मीशो से मंगाया है। अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको ये डाल के बताती हूँ। अभी गरम गरम ही हमें सोप मोल्ड में डालना है। अभी इसे हमें फ्रीजर में रखना है 2 से 3 घंटों के लिए, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए हमारे सोप अभी रेडी हो चुके हैं यूज़ करने के लिए, बहुत ही अच्छे हो चुके हैं ये। देखिए आप स्क्वायर, ये बादाम शेप में और ये ओवल शेप में इस तरह से निकला है, बहुत ही आसानी से निकलेगा ये। और ये हमारे स्किन पर के जो रैशेस, एक्ने, पिंपल, जो स्किन है उसे दूर करके दाग धब्बे मिटाएगा, और नेचुरल तरीके से बनाया मैंने। और अभी समर सीज़न है तो झइयाँ, मतलब जो छोटे छोटे पिंपल्स के दाने होंगे ना, तो उससे भी मिटाएगा और ठंडक देगा। तो आप भी ज़रूर घर पे ऐसे आसानी से बनाइए और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी
के बिना मत जाइए, और आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए मेरा वीडियो, और ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए ये सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए कितना अच्छा हो गया है, मैं आपको धो के बताती हूँ इसे। ये देखिए अभी इससे झाग भी बहुत अच्छा होता है, मैं आपको धो के बताती हूँ। बहुत ही अच्छा हो गया ये हमारा, और घर पे हम आसानी से इससे बना सकते हैं और दाग धब्बे दूर कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।